एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग ग्लैम विद कुकू। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपना फाउंडेशन लाइक अ प्रो, एंड मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिनकी वजह से यू कैन डेफिनेटली अचीव अ फ्लॉलेस मेकअप लुक। बेसिकली जो आज का वीडियो है वो हमारे बिगिनर्स के लिए होने वाला है। सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा ईजी वे में आपको समझाने वाली हूँ, आपको डिटेल में सारी चीजें बताने वाली हूँ। अगर आपको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना मेकअप तो सीख ही जाएंगे कि आप अपना सेल्फ मेकअप तो कर ही सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट, अगर आप सही में मेकअप के बेसिक सीखना चाहते हैं सो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एंड अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं सो डेफिनेटली आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर देंगे। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी मेकअप के बारे में नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं हमारी इतनी सी मिस्टेक बहुत ही ज्यादा ह्यूज वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारे मेकअप के अंदर, क्योंकि हमारे सुंदर से मेकअप को बहुत ही ज्यादा बुरा दिखा सकती है। क्योंकि कई बार हमको खुद नहीं पता होता है हम कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक पड़ जा रहा है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो अगर आप सीखना चाहते हैं हमें कौन सा प्रोडक्ट कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, सो ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ, जो कि है स्किन को प्रेप करना। स्किन को प्रेप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्लॉलेस बेस अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे आपको अपनी स्किन को प्रेप करना है। सो यहाँ पे हमको फॉलो करना होता है एक रूल जो कि होता है CTM। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे CTM क्या होता है, बट कुछ लोग नहीं जानते होंगे CTM क्या होता है। सो बेसिकली CTM एक रूटीन होता है जिसको हम डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। ये हेल्प करता है हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश ग्लोई बनाने में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं CTM की फुल फॉर्म क्या होती है। सो CTM की फुल फॉर्म हमारी होती है क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारी क्लिंजिंग के साथ। क्लिंजिंग के लिए आप कोई भी क्लिंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको ये करना है कि आपको अपने फेस से जितना भी डर्ट एंड ऑयल है सब रिमूव कर देना है, बिकॉज ये जो डर्ट एंड ऑयल होता है यही हमारे फेस को बाद में जाके काला बना देता है, जिससे हमारा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो मैंने तो अपने फेस को ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया था, मैंने इसको क्लीन कर लिया था। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकेंड स्टेप के साथ, जो कि हमारा टोनर। टोनर के लिए आप कोई भी रोज वाटर यूज कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव लाइक बहुत ही अच्छा वाला टोनर सो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। टोनर के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी गुलाब जल जो कि है डाबर का। एंड यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करें आपको ऑलवेज उसको पहले शेक करना है। अब मैं इसको अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी एंड देन उसके बाद अपनी हैंड्स की हेल्प से इसको ऐसे डैब डैब कर लूँगी, इससे बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड टोनर का बेनिफिट ये है कि हमारे पोर्स को क्लोज कर देता है, जिससे हमें ओपन पोर्स वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड देन इसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मसाज तो बिल्कुल ही देना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसाज करना, इससे हमारे फेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। अब आपको लेना है कोई भी प्राइमर या फिर एलोवेरा जेल, तो मैं तो यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी एज अ प्राइमर, क्योंकि मुझको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए सो तब डेफिनेटली आपको अच्छे वाला प्राइमर यूज़ करना पड़ेगा, बट अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए मेकअप चाहिए सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ एलोवेरा जेल। इससे आपकी स्किन को भी कोई हार्म नहीं होगा, सो डेफिनेटली इसको यूज़ करें। एंड ये थोड़ा वाटरी बेस्ड होता है, सो इसको आपको ड्राई करना है पहले कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले, देन उसके बाद ही आपको अपना प्रोडक्ट अप्लाई करना है। फिर आपको लेना है अपना कोई भी फाउंडेशन एंड उसको अपने पूरे फेस पे ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है डॉट डॉट बना के। इससे होगा ये कि आपके कहीं पर भी फेस पे कम ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगेगा, सारी जगह इक्वल प्रोडक्ट लगेगा। ब्लेंडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे ब्रशेज, ये फाउंडेशन ब्रशेज होते हैं, थिक होते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा ब्यूटी ब्लेंडर। इसको आपको गीला करके यूज़ करना है हमेशा, एंड आपको ऐसे ब्लेंडिंग करनी है। सो अगर यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप ब्रश यूज़ करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ऐसे नेचुरल फिनिशिंग चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, ये आपको नेचुरल फिनिशिंग देता है। करता ये है कि ये आपके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और ब्रश जो हमारे होते हैं वो जितना प्रोडक्ट हमने लगाया होता है उतना वो सारा हमारे फेस पे ब्लेंड कर देते हैं। सो अगर आपको हाई कवरेज चाहिए सो यूज़ ब्रशेस, बट अगर आपको एक नेचुरल सी फिनिशिंग चाहिए, कम प्रोडक्ट लगाना है अपनी स्किन पर, सो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। एंड बिगिनर्स के लिए ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। सो ये फ़ायदा है ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने का, सो मुझे तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना पसंद है। अब आपको लेना है अपने शेड का कंसीलर या फिर एक शेड लाइट कंसीलर,
कलर एंड फेस पे जितनी भी पिगमेंटेशन है ना हमारी या फिर डार्क सर्किल, उस पर अप्लाई कर लेना है इसको अच्छे से। एंड इसको ब्लेंड करना जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें हमारे पूरे फेस का कंसीलर ब्लेंड कर लेना है। देन उसके बाद हम अपनी आईज़ को, आप देख सकते हैं जैसे मैं ब्लेंड करूँगी, अपनी आईज़ को लाइक ऐसे ऊपर देख के या फिर सामने मिरर रख के ऐसे नीचे देख के ब्लेंड करना है। इससे होगा ये कि हमारी ना स्किन एकदम अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी एंड लाइक उसमें कंसीलर वगैरह नहीं फंसेगा। सो ये वाला टिप तो हमेशा ध्यान रखना कि अपनी अंडर आइज़ का कंसीलर सबसे लास्ट में ब्लेंड करना है, अगर आपको ज़्यादा मेहनत करने से बचना है तो। अब फेस को हाईलाइट करने के लिए आपको कोई भी लाइट कंसीलर ले लेना है, एक दो शेड लाइट या फिर तीन शेड लाइट आपको कंसीलर ले लेना है। एंड अपने फेस के जो भी हाईलाइट वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर लेना है। जहाँ जहाँ पे मैंने अप्लाई करा आपको सिर्फ यहाँ यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा जो फेस होता है वो फ्लैट दिखने लगता है, फ्लैट सर्फेस लगने लगता है। बट इसको जब हम लाइक लगाते हैं तो हमारे फेस को थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है। एंड टेक्निक आपको वही वाली यूज़ करनी है, पहले पूरे फेस का आपको ब्लेंड करना है अच्छे से, देन उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे अपनी आईज़ वाला। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हम आईज़ वाला लास्ट में ब्लेंड करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हम डबल मेहनत से बच सकते हैं, हम उसके तुरंत बाद उसको पाउडर से सेट कर सकते हैं। अब आपको लेना है कोई भी लूज पाउडर एंड ऐसा एक फ्लफी ब्रश लेना है, पाउडर ब्रश, एंड अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है अच्छे से। लाइक हमारा पूरा जो बेस है ना वो सारा सेट हो जाएगा, वो फिर अपनी जगह से हिलने नहीं वाला है, अदरवाइज़ आपके हाथ पे ऐसे निकल निकल के आएगा अगर आप टच करते हैं तो। सो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, पाउडर ज़रूर अप्लाई करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर हो या फिर लूज पाउडर हो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है कोई भी मेकअप फिक्सर या फिर रोज़ वाटर एंड अपने फेस पे स्प्रे करके आप ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से दोबारा। सो आपको अगेन इसको ऐसे कर लेना है। इससे होगा ये कि हमारा ना जो भी हमने फेस पर लगाया होगा फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर, वो लाइक अलग अलग नहीं दिखेगा, हमारा जो फेस है पाउडर ही नहीं लगेगा, हमारा लाइक जो पाउडर फाउंडेशन वो एक साथ मिक्स हो जाएगा एंड हमारा फेस ऑब्वियसली नेचुरल लगेगा। सो ये वाला स्टेप ज़रूर करना है अगर आपको ऐसे पाउडरी सा सरफेस नहीं पसंद है। ब्लश के लिए मैंने यूज़ करा था ये वाला शेड अपनी आई शेडो पैलेट में से, एंड आपको फ्लफी ब्रशेस से ही ऑलवेज अपना ब्लश अप्लाई करना है। यू कैन सी कितना प्रीटी लगता है हमारा फेस ब्लश लगाने के बाद। फिर मैंने अपने इनर कॉर्नर में हाईलाइटर अप्लाई कर लिया था ताकि हमारी आईज लाइक प्रीटी लगे बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ दैट्स द फाइनल लुक, हमारा इजी सा सिंपल सा बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक। एंड यहाँ लैशेज मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी। एंड आई होप जो आज का वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आई होंगी। एंड अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए। सो यही था आज के वीडियो के बारे में, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक